कल शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक थिएटर में ही थे और वहां पर बैक टू बैक दो फिल्में देखी, कोडनेम तिरंगा और डॉक्टर जी। जब दोनों फिल्में देखकर बाहर आए तो ऐसा लगा कि भाई अगर इन दोनों फिल्मों को मॉर्निंग शो में ही देखते तो अच्छा होता, क्योंकि अब तो नाइट शो के जो टिकट प्राइस होते हैं वो आप सबको पता ही है कितने हाई होते हैं, और ऊपर से दोनों फिल्म में क्या जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ठीक ठाक रहा। तो डॉक्टर जी की यहाँ पर बात करेंगे। डॉक्टर जी दोस्तों फिल्म बनाई है तो मेकर्स को शायद ऐसा लगा कि भाई हम कॉमेडी तरीके से कुछ सोशल मैसेजेस जो है वो हम लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन जो मेकर्स है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मैसेज हम तक पहुंचाने में काफ़ी हद तक असफल रहे हैं। कहानी की दोस्तों बात करूं तो एक स्टूडेंट है जो ऑर्थोपेडिक बनना चाहता है, लेकिन कुछ दिक्कत आ जाती है और उसे गायनेक डिपार्टमेंट लेना पड़ता है। फिर वो गायनेक बन भी जाता है, लेकिन जो बंदा ऑर्थोपेडिक को घोल कर पी गया हो, जो अपने आप को एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मानने लगा हो, अब जब उसे बच्चों की डिलीवरी करनी पड़ेगी तब सिचुएशन क्या होगी वो आप जरा सोचिए। तो बंदा जो है वो गायनेक डॉक्टर बन जाता है, वो लाइन पकड़ लेता है, लेकिन आगे क्या होगा, क्या वो एक सक्सेसफुल गायनेक डॉक्टर बन पाएगा या फिर वहाँ से भी वो उसका मतलब भविष्य जो है वो किस तरह से रहेगा वो हमें कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी के साथ साथ कई ऐसे टॉपिक जो है वो उठाए गए हैं, मतलब टॉपिक जो उठाए हैं लेकिन उनका जवाब हमें यहाँ पर मतलब कि प्रॉपर तरीके से मिला नहीं है कि आखिर में मेकर्स कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको आगे बताया कि कहीं ना कहीं मेकर्स जो है वो हुल खा गए हैं। फ्रेश टॉपिक है, टॉपिक बहुत अच्छा पकड़ा है, एकदम नया टॉपिक है, इसके ऊपर बात होनी भी चाहिए, लेकिन सॉरी टू से फिल्म देखकर जो फीलिंग आई वो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगता है कि ये फिल्म प्रॉपर तरीके से अच्छे खासे रिसर्च करने के बाद इस फिल्म को अगर बनाते तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो सकती थी, क्योंकि इस टॉपिक पर फिल्म इससे पहले हमने देखी नहीं है कहीं पर भी। आयुष्मान खुराना की बात करें दोस्तों तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो हर नई फिल्म में नया टॉपिक पकड़ के लाते हैं, लेकिन पता नहीं कि क्यों वो लगभग फेल से ही हो जाते हैं। तो आयुष्मान खुराना का काम बहुत अच्छा है, शेफाली शाह का काम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, उन्होंने भी अपने काम को अच्छे से निभाया। रघुलप्रीत सिंह की बात करें तो उन्होंने भी अपने काम को अच्छे से निभाया, ऐसा नहीं कहेंगे कि ठीक थी, बकवास थी, उसका मिसयूज हुआ है, ऐसा नहीं है, जितना भी काम मिला उन्होंने अच्छे से किया है। बाकी म्यूजिक तो ठीक ठाक है, प्रोडक्शन क्वालिटी फिल्म की अच्छी है, और ओवरऑल फिल्म जो मैसेज देना चाहती थी हमें वो हम तक पहुंच नहीं पाया। तो अगर आप नए टॉपिक के साथ कुछ नया देखना चाहते हो तो इस फिल्म को आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी यह फिल्म आपको शायद कहीं ना कहीं थोड़ी ठंडी लगेगी, थोड़ी धीमी लगेगी, और आयुष्मान खुराना का काम अच्छा देखने को भी मिलेगा। तो मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 2 स्टार। अब आपने डॉक्टर जी ऑलरेडी देख रखी है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी। बाकी मैं आपको कहूँगा कि ये जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है थिएटर में रिलीज़ करने का, ये ऑप्शन शायद कहीं ना कहीं गलत है। मुझे लगता है कि अगर फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर डाल देते, जो कि पहले न्यूज़ आई ही थी कि फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर डालने वाले हैं, लेकिन पता नहीं मेकर्स को क्या हुआ तो उन्होंने सोचा कि फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया जाए, तो थिएटर वाला ऑप्शन गलत सिलेक्ट हुआ है। ओटीटी पर डाल देते तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के मेकर्स जो है वो नई फिल्म बना सकते थे।